हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश, अलम्बुष्का घटोत्कच के हाथों मारा जाना, सात्यकी का कृतवर्मा को हराना, मार्ग में सात्यकी का द्रोणाचार्य को हराना और अर्जुन की सहायता के लिए आगे बढ़ना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 119। संजय बोले, हे राजन, जब द्रोणाचार्य को हराकर और सुदर्शन का वध करके सात्यकी आगे बढ़ने लगे, तब उन्होंने अपने सारथी से पुनः कहा, हे सारथी, असंख्य रथ, घोड़ों और हाथियों से भरी सेना, जिसमें अत्यंत उग्र गर्जना करने वाले महान अस्त्रों से संपन्न महारथी, जिन्हें महान योद्धा भी सुख से न छू सके, ऐसे जलसंघ की सेना जिसमें राक्षस तक उपस्थित थे, उस सेना के महासागर से हम पार हो गए हैं। अब बाकी बची जो सेना है, उसे तो मैं उस नदी के समान पार कर लूंगा जिसमें थोड़ा ही जल होता है। इसलिए तू अब अश्वों को धीरे धीरे चला। दुर्धुष वीर द्रोणाचार्य और योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा को युद्ध स्थल में जीतकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय सव्यसाची अर्जुन हमारे निकट ही है। जिस प्रकार वन को जलाने वाली अग्नि को आगे बढ़ने से कोई भय नहीं लगता, वैसे ही मुझे भी इस बहुत सी सेना को अपने समक्ष देखकर तनिक भी भय नहीं लग रहा। जिस मार्ग से पांडवों में मुख्य किरीटी अर्जुन आगे बढ़े हैं, उस मार्ग में तू इन मरे हुए अश्वों, टूटे रथों और हाथियों के शवों के ढेर देख। शत्रुओं की सेना को नष्ट कर महात्मा अर्जुन ने इस मार्ग को किस प्रकार विकट कर दिया है। यह डरे हुए शत्रु अभी तक इस मार्ग से पलायन कर रहे हैं। हे सारथी, रथों, अश्वों और हाथियों के दौड़ने से आकाश में जो रेशमी और लाल लाल रंग की धूल उड़ रही है, उसे भी तू देख। मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे महात्मा अर्जुन अब निकट ही हैं। ध्यान से सुन, परम पराक्रमी अर्जुन के गांडीव धनुष का शब्द रह रहकर सुनाई दे रहा है। जिस तरह के शुभ लक्षण यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि सूर्यास्त से पहले ही अर्जुन जयद्रथ को मार डालेंगे। हे सारथी, धीरे धीरे अश्वों को आराम देते हुए उस ओर चल जहाँ वह शत्रु सेना खड़ी है और जहाँ दुर्योधन सहित अन्य योद्धा उपस्थित हैं, जहाँ कवच धारण किए क्रूर कर्म करने वाले काम्बोज, धनुष बाण धारण किए प्रहार करने में कुशल यवन, शक, किरात, दरद देश के बर्बर योद्धा हाथों में भांति भांति के आयुध धारण किए खड़े हैं, बहुत से मलेच्छ योद्धा जहाँ उपस्थित हैं, ये सब के सब जहाँ दुर्योधन को अगुआ बनाकर कवच आदि धारण करके युद्ध की इच्छा से मेरी ओर मुख करके खड़े हैं, वहीं इस रथ को ले चल। जब इन सभी हाथी, अश्वों, रथों और पैदल योद्धाओं को मैं मार डालूंगा, तब ही तू समझना कि हम इस महाघोर व्यूह के पार हो गए हैं। सारथी ने कहा, हे सत्य पराक्रमी वृष्णि नंदन, यदि आपके सामने क्रोध से भरे हुए द्रोण, कृप, मद्राज अथवा जमदग्नि पुत्र परशुराम भी क्यों न खड़े हो जाएं, तो भी मुझे भय नहीं होगा। आपने पहले भी युद्ध में बहुतेरे काम्बोजों, प्रहार कुशल यवनों, शकों, किरातों, दर्दों तथा हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए अन्य बहुत से मलेच्छों को पराजित किया है। इन अवसरों पर पहले कभी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं हुआ था। बताइए, आज आप किस पर अधिक क्रोधित हैं और किस सेना को यमलोक भेजना चाहते हैं? बताइए, मैं किस मार्ग से आपको अर्जुन के निकट ले चलूं? सात्यकी बोले, हे सूत, जैसे इंद्र दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन मथ मुंडे अर्थात बिना बाल वाले काम्बोजों का ही वध करूंगा और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। अतः तुम उन्हीं की ओर मुझे ले चलो। आज दुर्योधन सहित समस्त कौरव मेरा पराक्रम भी देखेंगे। अपनी सेना के भयंकर विनाश को देखकर आज दुर्योधन को बड़ा ही संताप होगा। श्वेत अश्वों के रथ वाले गुरुवर अर्जुन से मैंने जो विद्या सीखी है, उसको आज मैं दिखलाऊंगा। आज जब मैं चुन चुन कर योद्धाओं को मारूंगा, तब दुर्योधन को लगेगा कि इस जगत से एक दूसरा अर्जुन भी यहाँ आ पहुँचा है। पांडवों के प्रति मेरी कितनी भक्ति और कितना स्नेह है, आज मैं उसे प्रकट करके दिखाऊंगा। ऐसा देखकर दुर्योधन को आज बड़ा ही पश्चाताप होगा। संजय बोले, हे राजन, सात्यकी के सारथी ने उन चतुर अति वेगशाली अश्वों को हाका। मन की गति के समान गतिमान वे अश्व मानो आकाश में उड़कर यवन योद्धाओं के समक्ष जा खड़े हुए। अचानक सात्यकी को वहां आया देख और अपनी सेना में घुसता जानकर यवन योद्धा उस पर बाण बरसाने लगे। सात्यकी ने अनेकों बाण छोड़कर उनके सभी बाण काट डाले और एक बाण भी उन तक न पहुंच सका। पल भर में सात्यकी ने
सधे हुए गिद्ध के पंख लगे बाण छोड़ने आरंभ कर दिए और वहां यवनों की भुजाएं और मस्तक शरीर को त्याग कर और हवा में उड़कर भूमि पर गिरने लगे। वे बाण योद्धाओं के शरीर से आर पार होकर भूमि में समाने लगे। उस समय सात्यकी धनुष को कान तक खींचकर इतने वेग से बाण छोड़ते थे कि एक झटके में ही 8-8, 10-10 यवन योद्धा मरकर भूमि पर गिर जाते थे। सात्यकी ने आपकी सेना का संहार करते हुए वहां की भूमि को सहस्त्रों योद्धाओं के मृत शरीरों से पाटकर अगम्य अर्थात जहां कोई आगे न बढ़ सके बना दिया था। वहां मांस और रक्त की कीच जम गई थी। उन मृत शरीरों से भरा हुआ वह सारा रण क्षेत्र लाल रंग के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ता था। हे महाराज, वहां थोड़े से यवन ही शेष रह गए थे जो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाए हुए थे। वे अपने साथी योद्धाओं से दूर भागकर तथा भ्रष्ट होकर अचेत से हुए जा रहे थे। वे सब अपने अश्वों को भय के कारण कोड़ों से मारकर वहां से भागने के प्रयास में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे थे। हे महाराज, उस रण क्षेत्र में अत्यंत दुर्जय समझी जाने वाली काम्बोज सेना, यवन सेना तथा शकों की विशाल वाहिनी सेना को खदेड़कर पुरुष सिंह सात्यकी आपके सैनिकों पर विजयी हो कौरव सेना में घुसते जा रहे थे। सात्यकी अपने सारथी को आदेश देते हुए बोले, हे सारथी, आगे बढ़ो, तनिक भी रुकना मत। द्रोण पर्व अध्याय 120। संजय बोले, हे राजन, सुंदर दांतों वाले रथियों में श्रेष्ठ युयुधान, यवनों और काम्बोजों को पराजित करके आपकी सेना के बीच से होते हुए अर्जुन की ओर बढ़ते जा रहे थे। सात्यकी रथ के द्वारा विभिन्न मार्गों पर बढ़ते हुए अपने उस वेगशाली धनुष को हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। उस धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मढ़ा था और वह सुवर्ण में चंद्रकार चिन्हों से व्याप्त था। मतवाले तथा मदोन्मक्त हाथी के समान पराक्रमी मंद गति से चलने वाले सात्यकी जब कौरव सैनिकों के मध्य भाग में जा खड़े हुए, उस समय आपके अनेक योद्धा उन्हें मार डालने की इच्छा से भूखे बाघों के समान उन पर टूट पड़े। हे राजन, अत्यंत क्रोध से भरे हुए आपके रथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विविंशति, शकुनी, दुस्सह, तरुण वीर कृत तथा अन्य बहुत से शक्तिशाली शूरवीर योद्धा अमर्ष से भरकर अस्त्र शस्त्र लिए वहां आगे बढ़ते हुए सात्यकी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। आपकी सेना में बड़े जोर जोर से ढोल नगाड़ों का शब्द होने लगा। उन सबको आक्रमण करते देख शीनी पर्वत सात्यकी ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा, हे सारथी, अब तू तनिक धीरे धीरे चल। यह जो हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से भरी हुई दुर्योधन की सेना युद्ध के लिए उद्दत हो मेरी ओर तीव्र गति से चली आ रही है, इस सेना को मैं अंतरिक्ष एवं सागरों को कपाता हुआ आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक दूंगा जिस प्रकार तट की भूमि पूर्णिमा के दिन उद्वेलित होते महासागर को उसके स्थान पर ही रोक देती है। हे सारथे, इस महायुद्ध में देवराज इंद्र के समान आज तुम मेरा पराक्रम देखोगे। हे राजन, अमित तेजस्वी सात्यकी जब इस प्रकार बोल ही रहे थे उसी समय युद्ध के लिए उत्साहित हुए आपके सारे सैनिक अति शीघ्रता से उसके समीप आ पहुंचे। वे दौड़ो, मारो, देखो इत्यादि का शोर करते आगे बढ़ रहे थे। हे राजन, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले एवं विचित्र युद्ध की कला से निपुण सात्यकी ने हंसते हुए वहां शोर करते हुए आते 300 घुड़सवारों तथा 400 हाथी सवारों को अपने तीखे बाणों से यमलोक भेज दिया। क्षण भर में ही वहां देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर रूप में नरसंहार होने लगा। हे महाराज, उस अकेले योद्धा ने ही आपके पुत्र की उस विकट सेना का अकेले ही सामना किया। सबसे महान आश्चर्य की बात मैंने वहां होते देखी। सात्यकी का कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया। इतने रथों, हाथियों, अश्वों और पैदल योद्धाओं से भरी आपकी सेना वहां तट भूमि के समान अवरुद्ध सी हो गई। सात्यकी के बाणों से मारे जाते आपके वे योद्धा प्राणों के लिए चक्कर काटने लगे। हे राजन, सात्यकी ने आपकी सेना का जैसा संहार वहां किया था वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया था। सात्यकी बड़े निर्भय होकर अत्यंत फुर्ती से अस्त्र चलाते, अपनी कुशलता दिखलाते अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी प्रतीत हो रहे थे। इसी बीच मौका पाकर दुर्योधन ने 3 बाणों से सात्यकी के सारथी और 4 पैने बाणों द्वारा उनके अश्वों पर आघात किया। तत्पश्चात सात्यकी को पहले 3 बाणों से व्यथित कर 8 बाणों द्वारा
गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर दुशासन ने 16, शकुनी ने 25 और चित्रसेन ने 5 बाणों द्वारा शिनीप्रवर सात्यकी को बींद डाला। दुस्सहन ने भी सात्यकी पर 15 बाण छोड़े। हे महाराज, इस प्रकार उन बाणों से आहत होकर वृष्णि वंश के उस सिंह सात्यकी ने मुस्कुराते हुए उन सब योद्धाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया और बाज के समान सब ओर अति वेग से विचरने लगे। उन्होंने शकुनी का धनुष काटकर दुर्योधन की छाती में भी 3 बाण मारे। चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को पहले 8 बाण मारे और फिर 5 बाण पुनः मारे। दुशासन, दुर्मुख और दुस्सह ने एक साथ अनेक बाण मारकर सात्यकी को शत विक्षत सा कर दिया। हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने 73 बाणों से युयुधान को आच्छादित कर 3 पैने बाणों द्वारा उसके सारथी पर भी प्रहार किया। तब सात्यकी ने एक साथ उन समस्त शूरवीर महारथियों को 5-5 बाणों से बींध डाला और दुर्योधन के सारथी पर एक भल्ल बाण से प्रहार किया। वह प्रहार इतना सधा हुआ था कि सारथी तुरंत ही उस भल्ल के प्रहार से मारा जाकर भूमि पर जा गिरा। हीराजन, सारथी के मारे जाने से दुर्योधन का रथ अनियंत्रित होकर उस युद्ध क्षेत्र से दूर होता चला गया। राजा दुर्योधन के रथ की ऐसी दशा देखकर आपके सैनिक वहां से जान बचाकर भागने लगे। आपकी सेना को भागती देख सात्यकी ने सुवर्ण में पंखों वाले तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हे राजन, इस प्रकार आपके सहस्त्रों सैनिकों को भगाकर सात्यकी पुनः श्वेत वाहन अर्जुन के रथ की ओर आगे बढ़ चले। जब सात्यकी युद्ध करते थे तब वे अपने रथ और सारथी की भी पूर्ण रक्षा करते थे। ऐसा देखकर आपके सैनिकों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। द्रोण पर्व का 120वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि जब सात्यकी इतने भयंकर रूप में कौरव सेना का संहार कर रहे थे तब द्रोणाचार्य को ये समझ ही नहीं आया कि वे आखिर कहां जाकर युद्ध करें। इतनी विशाल सेना होने पर कोई सात्यकी को क्यों नहीं रोक पा रहा था। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।